मेरा नाम यश और आप देख रहे हैं अपना 100% यूट्यूब चैनल यश टेक। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नोकिया 8.1 प्लस के बारे में, मतलब X8 के बारे में। जो X7 सीरीज का स्मार्टफोन है वो लॉन्च हुआ था चाइना में, तो उसी को ग्लोबल वर्जन करके इंडिया में लॉन्च करने वाले हैं नोकिया कंपनी 8.1 प्लस के नाम से। तो जानेंगे उसके फुल स्पेसिफिकेशंस और क्या क्या मिलेगा हमें इस 8.1 नोकिया के 8.1 प्लस में, तो जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो एंड तक देखते रहिए। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दीजिए, रेड का सब्सक्राइब उसको प्रेस करके बाजू के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं डेली वीडियोस लाता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स सबसे बात आती है, जो X7 है वो चाइना में लॉन्च हुआ था, लेकिन उसको ही डबेट करके, मतलब उसको ग्लोबली लॉन्च करके अभी इंडिया में वो 8.1 प्लस के नाम से आने वाला है। तो उसकी लॉन्चिंग डेट होने वाली है 10 से 15 दिसंबर के बीच, जो कि एंड में लॉन्च होगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात आती है डिस्प्ले और बिल्ड क्वालिटी की। तो फ्रेंड्स उसमें 6.18 इंच का फुल IPS पैनल का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिलने वाला है, और जो आपको मेटल बॉडी मिलेंगी बैक पैनल में, मतलब बिल्ड क्वालिटी होंगी मेटल की, और आगे गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन होगा, शायद ऐसा कुछ लीक सामने निकल कर आई है। तो आगे बात करेंगे तो परफॉर्मेंस की, तो इसमें स्नैपड्रैगन का 710 प्रोसेसर आने वाला है, जो कि बता जा रहा है कुछ लीक से, जो कि होने वाला है स्नैपड्रैगन का 710, जो कि बना है 10 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर, जो कि अपने आप में बहुत फास्ट है ये प्रोसेसर स्नैप क्वालकॉम का। तो फ्रेंड्स जानेंगे क्या देखेंगे इस वीडियो, मतलब नोकिया जब लॉन्च होगा तब कौन से प्रोसेसर के, मतलब स्नैपड्रैगन कितना इफेक्टिव प्रोसेसर रहेगा। तो फ्रेंड्स आगे बात आती है कैमरा डिपार्टमेंट की, तो हमें उसमें रियर कैमरा में देखने को मिलेगा 13+12 मेगापिक्सल का विद एपेचर 2.0 के साथ, मतलब एक 13 मेन कैमरा 30 मेगापिक्सल का होगा, और डेप्थ सेंसिंग मतलब 12 मेगापिक्सल का और विद एपेचर 2.0 के साथ। तो एंड फ्रंट फेसिंग कैमरे की बात करें तो फ्रंट फेसिंग कैमरा 20 मेगापिक्सल विद एपेचर 2.0 के साथ हमें मिल सकता है नोकिया 8.1 प्लस में, मतलब 20 मेगापिक्सल तो नोकिया 8.1 की सबसे बराबर है। तो फ्रेंड्स अगली बात आती है बैटरी और फास्ट चार्जिंग की। तो फ्रेंड्स इसमें मिलने वाली हमें 3500 mAh की बैटरी मिलने वाली है, और फास्ट चार्जिंग का इसमें सपोर्ट होगा, टाइप सी केबल आपको मिलेगी इसमें। तो फ्रेंड्स बैटरी तो कुछ मतलब खास नहीं है प्रोसेसर की सब के, लेकिन चल जाएगा, मतलब 3500 mAh बैटरी चल जाएंगे आपको। और इसमें होने वाला है नॉच डिस्प्ले होने वाला है इसमें, और जो नीचे बेजल्स होंगे वो काफ़ी स्मॉल्स होंगे बेजल्स, तो वो मतलब बेजल्स में तो आपको ये नहीं दिखेगा। तो फ्रेंड्स अब बात आती है प्राइस पॉइंट की। तो फ्रेंड्स इस ये दो वेरिएंट में लॉन्च होने वाला है, 4GB वेरिएंट और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, और 6GB वेरिएंट 64GB वेरिएंट के साथ। तो फ्रेंड्स ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा, जो 4GB वेरिएंट है उसकी प्राइस होने वाली है 799, मतलब करीब 18,000 रुपये में, और जो 6GB वेरियंट 128GB स्टोर वो जो वेरियंट है उसकी प्राइस होने वाली है 20,999, मतलब करीब करीब 21,000 के पास। तो फ्रेंड्स ये आपको मिलेगा फ्लिपकार्ट पे। तो आप बाकी आप मुझे बताइए कि नोकिया 8.1 में 8.1 प्लस में क्या क्या मिल सकता है। तो फ्रेंड्स आज बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और धन्यवाद।